सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम आपको लेके जा रहे हैं जामा मस्जिद के पास लगती है जो मार्केट, जिसका नाम है लाल कुआ काइट मार्केट। सो गाइस, लाल कुआ काइट मार्केट में ऑल ओवर इंडिया से यार बेस्ट बेस्ट काइटें सप्लाई होती हैं और यहाँ पे आके बिकती हैं और होलसेल बिकती हैं। और आज 6 अगस्त। सो गाइस, आज का हम मार्केट का रश दिखाने वाले हैं। 6 अगस्त संडे आज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, यहाँ से एंटर करते हैं हम अपनी मार्केट के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले भाई की दुकान दिखती है यहाँ पे। सो देख सकते हो, ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं शॉप का, तो देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा रश हो रहा है और यहाँ पे ऑल ओवर टाइप की पतंग लगी हुई है। और यार सच बात बताऊँ तो यार, जितना होलसेल माल बिक रहा था यहाँ पे उतना होलसेल बिक नहीं रहा यहाँ पे। अब रिटेल हो चुका है, 250 रुपये की पैकेट दे रहे हैं। एक पैकेट के अंदर भाई 50 पतंग है जो नॉर्मल साइज़ की रहती हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ वाली नहीं है, पौनी अधी नहीं है, अधी से थोड़ी छोटी है जो नॉर्मल साइज़ का, जो आपके रिटेलर में भी जो 5 रुपये की मिलती होगी वो यहाँ पे 5 रुपये की, 6 रुपये की। ऐसे ऐसे पतंग का पैकेट मिल रहा था यहाँ पे 300 रुपये की, 50 पतंग ऐसे पैकेट दिख रहे थे। पैकेट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे देख सकते हो, हे भगवान, आज तो मेरा मार्केट ने दिमाग ख़राब कर दिया पूरा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ऑल ओवर सारा माल नया नया खुला था और यार मार्केट में इतनी भीड़ थी, जल्दी जल्दी सारा माल बिक गया। सो अंकल ने एक और बंडल मंगवाया काइट का, जबी के जबी थोड़ी देर बाद ही दिखाता हूँ मैं कहाँ पर मंगवाया था। सो ये रखा, अभी भाई जी यहाँ पे रखेंगे। और देख सकते हो यहाँ पे कितनी पतंग लेके खड़े हुए हैं लोग बाग, और पतंग बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है। जो बात है वो बात है यार, अगर आप कभी शॉपिंग करना चाहो तो यार 15 अगस्त से पहले ही शॉपिंग कर लो यहाँ पे आके, तो आपको चीप रेट में मिल जाएगी। 100-100 पीस लोगे तो। ये देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे गुड्डे रखे हुए हैं यहाँ पे, और इनके यार प्राइस 600-700 रुपये पर पीस आ जाता है। और ये देख सकते हो अंकल लेके आए नया पतंग का द्वार से एक और बंडल फुल साइज का। मेरे को लगा यार अभी अनबॉक्सिंग करेंगे यार, लेकिन अंकल ने अनबॉक्सिंग अभी नहीं करी, वरना तो उसकी मैं वीडियो बना देता यार। अंकल ने अभी अनबॉक्सिंग करी, तो यहाँ पे शूट करने के बाद हम थोड़ा आगे निकल गए, हमें लगा अंकल अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करा हमने, और गाइस यार मार्केट में रश होने की वजह से यार मैं ज़्यादा वॉइस ओवर कर नहीं पाया। और आगे देखते हैं तो आगे देख सकते हो ये वाली, देख सकते हो क्या बेहतरीन डिज़ाइन है। ये 7 रुपये की एक पतंग दे रहे थे भैया, 7 रुपये की एक। यार मेरे को तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगा इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं कह रहा यार इससे बढ़िया तो अपने एरिया से ले लो, इतनी दूर पतंग लेने आएंगे 7 रुपये की एक वो भी। तो एनीथिंग एल्स जो भी है यार, अगर आपको लेनी हो ले सकते हो, क्या पता मिल जाए आपको अगर आप एक होलसेलर के उसमें जाओ तो। सो यहाँ पे आज बाज़ार भी लगा हुआ था, लेकिन उस बाज़ार को छोड़ो यार। और लेकिन आप काइट की वजह से ज़्यादा रश हो रहा था, देख सकते हो प्रिंटेड काइट मिल रही है। सो गाइस, मार्केट में एक के बाद एक शॉप आई जा रही थी, तो देख सकते हो यहाँ पे हम कैमरा लेके गए, तो यहाँ से तो नॉर्मली हमें मना कर दिया, भाई वीडियो मत बनाओ, अंदर से बनाओ बाहर से मत बनाओ, अंकल ने जी ने यहाँ पे मना कर दिया था। तो हमने इस ब्लैक वाली काइट के रेट भी पूछे थे, जो यहाँ बड़ी वाली रखी है जो वाइट में जिसमें बीच में जो भी बन रहा है एक अजीब सा फेस जो बन रहा है उसके, हमने यहाँ पे इस वाली पतंग के रेट पूछे, तो अंकल ने रेट भी नहीं बताया यार, अजीब लगा। अंकल ने कहते वीडियो मत बनाओ, तो उसके बाद हम यहाँ से निकल गए आगे। तो गाइस आगे निकलते हैं, यहाँ पे ये भाई मिला जो 250 रुपये का पैकेट दे रहा था यहाँ पे पतंग का, और इसके अंदर थी यार 50 पतंग। और यार 300 का भी पैकेट था भाई के पास, एक 300 वाले के अंदर भी 50 पतंग ही थी।
तो यार 6 रुपए की एक पतंग पड़ रही थी यहाँ से लेने का, यार मेरे को कुछ वो नहीं लगा। और पैकेट के अंदर दे रहे थे, पैकेट पैक कर रखे थे यहाँ पे, और सारे में पैकेट्स ही बिक रहे थे और मंजा बिक रहा था यार। मंजे की रील भी बहुत एक्सपेंसिव लगी मेरे को। तो यहाँ पर मेरे को एक शॉप दिखी, तो मैंने शॉप के अंदर की तरफ आया तो भैया ने पहले मना कर दिया, तो मैं यहाँ से कहीं और निकल गया पहले ही कि यार छोड़ो, जो मना कर देता है यार वहाँ पे हम वीडियो नहीं बनाते। उसके बाद यहाँ से हम अंदर गली में जाते हैं, गली में देखते हैं यहाँ पे पतंग मिल रही थी यार। तो गली के अंदर जाते हैं तो देखते हैं भाई, भाई के भी सेम रेट यार यहाँ पे ऑल ओवर ही सारे मार्केट वालों की स्ट्रेटेजी रहती है, हर जगह यार सेम रेट मिल रहा था और पतंग भी सेम सी थी। तो दिखाता हूँ, देख सकते हो ये ऐसे पैकेट मिल रहे थे और पैकेट पे देखो प्राइस भी लिखे हुए हैं, 400 रुपये प्राइस, 450, ऐसे ऐसे प्राइस मिल रहे थे यार। इतनी महंगी महंगी 8 रुपये की एक पतंग भी देर मिल रही थी यार, इतने मतलब प्राइस बहुत हाई था। मतलब ये कह सकते हो जैसे सीज़न आगे आता है तो प्राइस ये हाई कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे ये पैकेट बना रखे हैं भाइयों ने, तो सारे यार सारे ऑल ओवर जगह पे पैकेट बने हुए रखे थे। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट में यार हमारा तो पानी निकल गया, इतनी गर्मी हो रही थी ऊपर से यार, इतना रश क्या बताऊं। यहाँ पे देख सकते हो भाई ने अभी नया नया ही पैकेट ओपन करा था, तो यहाँ कलर डिज़ाइन और भाई पतंग की क्वालिटी तो एक नंबर थी। 8 रुपये की एक पतंग दे रहे थे भैया ये, तो मैं अभी दिखाता हूँ एक भाई पतंग लेने आए हुए थे, उनके मुँह से ही रेट सुनवा देता हूँ मैं। सो अंकल ने यार 2 रुपये भी कम नहीं करे। उसके बाद मैं आगे निकल के पतंग की तलाश में, जब ही मिलता हमको एक अपना भाई, भाई कितने की मिली? 700 की। सो देख सकते हो यार भाई भी इतनी एक्सपेंसिव पतंग ले गए हैं, 700 रुपये का सैकड़ा, मतलब 7 रुपये की एक पतंग पड़ी है भाई को, 700 रुपये की 100 पतंग। सो उसके बाद हम अपनी जर्नी में आगे निकलते हैं, आगे निकल निकल के देखते हैं कि आगे क्या मिल रहा है मार्केट में। जो बड़ी एक्सपेंसिव पतंग होती है जैसे तिरंगा वगैरह होता है बड़ा तिरंगा, उसे देखने के लिए निकले थे हम। और देख सकते हैं मार्केट में कितनी रश हो रहा है, कितना रश हो रहा है यार यहाँ पे। और यहाँ पे भाई लाया था एक पतंग, क्या रेट लाया? 7 रुपये। सो यार भाई के रेट से यार हमें समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या 60 रुपये बोल दिया, लेकिन भाई के पास पतंग अच्छी खासी थी, मतलब दबा के पैसा उड़ाया भाई ने यार, जो भी है उड़ाएगा ही भाई पैसा, हवा में ही दिखेगा भाई का पैसा। उसके बाद चलो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं, मेरे को एक बड़ा तिरंगा दिख रहा था सो उसी के पास चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी ये भाई पतंग लेके जा रहे हैं पन्नी की, भाई को रेट नहीं बताते। उसके बाद आगे देखाते हैं तो आगे भाई एक बड़ा तिरंगा मिल रहा था, और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी तो मैं ये देख सकते हैं यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है, यहाँ पे टी शर्ट वगैरह भी मिल रही थी इस बार मार्केट के अंदर, जो हर बार मिलती हैं। यहाँ देख सकते हो ऐसे पैकेट बने रखे रहते हैं ये पतंग के, दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हो। तो भाई 150 रुपये की 25 पतंग दे रहा था, समझ रहे हैं मतलब 300 रुपये की 50, 6 रुपये की तिरंगा, देख सकते हो कितना बड़ा है, रेट पूछे भाई से। यार कितने के दो? 300। 300 रुपये का बताया भाई ने अपने को, 300 रुपये का तिरंगा। उसके बाद हम मार्केट में यार आगे निकले और बस यार ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बस मार्केट खत्म हो गई। तो मिलते हैं मतलब ब्लॉग के अंदर, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वगैरह सब कर देना। तो फाइनली गाइस हम पूरा ब्लॉग सोच करके आ चुके हैं, इस बार हमने ज़्यादा लिफ्टिंग हमने कुछ कराई नहीं, लिफ्टिंग तो हमने घर आके करी है। और तुम देख सकते हो यार मार्केट के अंदर कितनी रश कितना भीड़ है भाई, कोई भी रेट बताएं तो यानी हर जगह रश है। हमने बस और भी लिया है, और यार पैकेट बना कर रख रखे थे पतंग के, और उन्हीं पे रेट लिखा हुआ था, अगर आप आओ एक दो दिन के अंदर तो वो यही रेट आपको मिल जाना है। ओके तो यार ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं उधर ब्लॉग के अंदर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, तो जब तक के लिए बाय बाय।